हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। जैसा कि आप थंबनेल को देख के समझ ही गए होंगे, आज की वीडियो में हम बास्केटबॉल के रूल्स मेजरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम बास्केटबॉल के कोर्ट की मेजरमेंट, उसके रूल्स, उसकी वायलेशन, फॉल, सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके कोर्ट के बारे में देखते हैं। जो बास्केटबॉल का कोर्ट होता है, ये देखिए इस तरह से आयताकार होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सेंटर लाइन इसमें होती है जो कोर्ट को दो हाफ में यहाँ डिवाइड कर देती है। इस तरह से इसे हाफ कोर्ट एंड फुल कोर्ट कहा जाता है। और इसके कोर्ट की जो लेंथ होती है, ठीक है, टोटल लेंथ कितनी होती है, 28 मीटर यानी कि 91.86 फीट इसकी लेंथ होती है। और बास्केटबॉल की विड्थ या चौड़ाई कितनी होती है, 15 मीटर या फिर 49.2 फीट यहाँ पर इसकी विड्थ होती है, ठीक है। यानी जो इसका कोर्ट होता है 28 बाय 15 मीटर का इसका कोर्ट होता है। अब यहाँ पर देखिए जो मेजरमेंट्स है, इसमें डिफरेंस हो सकता है जो दूसरी एसोसिएशन है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, जो भी हम यहाँ मेजरमेंट रूल्स करेंगे वो फीवा के अकॉर्डिंग करेंगे। फीवा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल दी बास्केटबॉल, ठीक है। ये बास्केटबॉल की इंटरनेशनल फेडरेशन होती है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। हमने इसके बारे में पढ़ा था, मैंने अलग से वीडियो बनाई है, मैं आपको आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगी, ठीक है। तो हम फीवा के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे रूल करने वाले हैं। हमने लेंथ विड्थ इसकी कर ली। फिर उसके बाद यहाँ देखिए इसके सेंटर में एक सर्कल होता है जिसको सेंटर सर्कल कहा जाता है, और ये कितने का होता है, 3.6 मीटर। इसका पूरा डायमीटर कितना है, 3.6 मीटर, ठीक है। कोर्ट के बाहर को 2 मीटर के डिस्टेंस रहता है, ठीक है, 2 मीटर रन ऑफ एरिया इसको कहा जाता है। और इसके बाद देखिए जो सेंटर लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर वाइट कलर की बाहर को निकली हुई, इतनी 0.15 मीटर। फिर आपको इस तरह की शेप यहाँ पर दिखाई देगी कोर्ट के अंदर, इस तरह से देखिए ये 3 पॉइंट लाइन, और ये साइड लाइन से 0.90 मीटर के डिस्टेंस पर ये वाली हमारी आर्क लगी रहती है। और इसके अंदर दो रेक्टेंगल्स बने रहते हैं, ठीक है, के ऊपर हमारे इस तरह के एक अर्धवृत्त सा बने रहते हैं दोनों ही तरफ में। ये जो रेक्टेंगल से आपको दिख रहे हैं ये वाले होते हैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ठीक है, ये वाले हैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया। और उसके अंदर आपको ये यहाँ पर आपको दिखाई देंगी एक छोटी सी आर्क बनी रहेंगी, ये वाला है स्नो चार्ट सेमी सर्कल, दोनों तरफ में आपको दिख रहा होगा, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद ये देखिए जो इसका डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से नो चार सेमी सर्कल के अंदर एक रिंग सा हमारा बना रहता है, ये रिंग से लेकर, ठीक है, ये 3 पॉइंट लाइन तक का डिस्टेंस कितना होता है, 6.75 मीटर। उसके बाद ये एंड लाइन तक कितना होता है, 1.575 मीटर, ठीक है, 1.575 मीटर यहाँ से लेकर एंड लाइन तक का डिस्टेंस होता है। ये वाला जो है हमारा 2 पॉइंट फील्ड गोल एरिया है, यहाँ पर इसके अंदर यहाँ से अगर हम गोल करते हैं तब यहाँ पर 2 पॉइंट दिए जाते हैं। उसके बाद देखिए आपको साइड लाइन पर यहाँ पर दो हमारी छोटी छोटी सी हमारी लाइनें दिखाई देंगी, ये वाली होती है थ्रो इन लाइन, एंड लाइन से 8.325 मीटर के डिस्टेंस पर थ्रो इन लाइन लगाई जाती है। फिर उसके बाद देखिए सेंटर लाइन से लेकर 5 मीटर के डिस्टेंस पर हमारे टीम बेंचेस लगे रहते हैं, ठीक है, टीम बेंचेस एरिया हमारे होते हैं। और सेंटर में देखिए उसके बीच में स्कोरर टेबल लगा रहता है, यहाँ पर स्कोरर बैठते हैं। फिर उसके बाद देखिए जो ये लाइनें लगी रहती हैं, ठीक है, जितनी भी यहाँ पर ये लाइनें हैं, बाउंड्री लाइन्स हैं, इसकी जो चौड़ाई होती है, ठीक है, इसकी विड्थ कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर या फिर 50 mm। और ये सारी लाइनें कैसी होनी चाहिए, सेम कलर की होनी चाहिए, वाइट या कोई भी कंट्रास्ट कलर में ये यहाँ पर ड्रॉ होनी चाहिए जो कि क्लियरली विजिबल हो, ठीक है, साफ साफ दिखाई दे। उसके बाद देखिए इंडोर स्टेडियम में बास्केटबॉल के कोर्ट की जो छत होती है उसकी ऊंचाई 7 मीटर तक ये होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया को और नो चार सेमी सर्कल एरिया को और अच्छे से यहाँ पढ़ने वाले हैं। ये रेक्टेंगुलर जो आपको दिख रहा है सारा, ये है रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, वो होती है 5.8 मीटर, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया की लेंथ होती है। और इसकी विड्थ कितनी है, 4.9 मीटर इसकी विड्थ होती है, ठीक है।
इसके अंदर देखिए ये छोटी छोटी सी लाइनें हमारी लगी हुई हैं सारी, और ये जो लाइनें हैं ठीक है, ये देखिए 0.85 मीटर के डिस्टेंस पर ये लगी हुई है। फिर आपको उसके बाद ये मोटी सी लाइन यहाँ पर दिख रही है दोनों तरफ में, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल जोन। न्यूट्रल जोन का कितना लेंथ है हमारा, 0.4 मीटर इसकी जो लेंथ है वो है, और बाकी कितने हैं 0.85 मीटर है, ठीक है। इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर, ठीक है, इसके अंदर प्रतिद्वंदी खिलाड़ी या फिर हमारे जो ओपोनेंट खिलाड़ी होते हैं वो 3 सेकंड से ज़्यादा अपने पास बॉल नहीं रख सकते हैं, नहीं तो 3 सेकंड वायलेशन यहाँ हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर एक हमारा सेमी सर्कल आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं नो चार्ज सेमी सर्कल एरिया, ठीक है। अब इसमें देखिए रिंग से फर्श पर एक परपेंडिकुलर गिराया जाता है, ठीक है, जिसको कि 1.25 मीटर का डिस्टेंस लेकर एक हमारी आर्क लगाई जाती है, अर्धव्यास यहाँ पर लगाया जाता है। यहाँ से देखिए ये आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ, 1.25 मीटर, और इसके दोनों ही सिरों को बैकबोर्ड की सिधाई में लगाया जाता है। ये आप देख रहे होंगे ये जो लाइन आपको दिख रही है ये वाली बैकबोर्ड की सिधाई से लगाई जाती है, जिसकी लंबाई परपेंडिकुलर से कितनी होती है ये आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 0.35 मीटर। अब नो चार्ज सेमी सर्कल के अंदर देखिए बास्केट करने वाला खिलाड़ी या फिर ऑफेंसिव प्लेयर अगर डिफेंसिव प्लेयर से टकरा जाता है, ठीक है, या हल्के से धक्का मारता है, तब यहाँ पर क्या रहती है, छूट रहती है थोड़ी सी। फिर उसके बाद देखिए ये वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं फ्री थ्रो एरिया। जब भी गेम के अंदर कोई पेनल्टी फॉल होते हैं, ठीक है, तब फ्री थ्रो दिए जाते हैं, और फ्री थ्रो इस वाले एरिया से लगाए जाते हैं, और इसका जो लंबाई है वो कितनी होती है, 1.8 मीटर। फिर नेक्स्ट देखिए बैकबोर्ड और बास्केट रिंग, इसकी मेजरमेंट हम करेंगे। ये देखिए ये है बैकबोर्ड और ये है रिंग, और ये जो बैकबोर्ड है, ठीक है, बैकबोर्ड किस चीज़ का बना होना चाहिए, ये नॉन रिफ्लेक्टेड लेमिनेटेड सेफ्टी ग्लास का हो सकता है, क्या टेम्पर्ड ग्लास का हो सकता है, क्या ये पॉलीकार्बोनेट का लकड़ी का या फाइबर ग्लासेस का, या फिर स्टील या एलुमिनियम, इनसे ये बना होना चाहिए। इस बैकबोर्ड की लेंथ कितनी होती है, 6 फिट या फिर 1.8 मीटर, और इसकी जो विड्थ है वो होती है 3.5 फिट या फिर मीटर में देखे तो 1.05 मीटर। उसके बाद देखिए रिंग, रिंग का जो डायमीटर है, ठीक है, ये वाला इसका जो डायमीटर है वो कितना होता है, 18 इंचेस या 45.7 सेंटीमीटर्स, ठीक है, इसका डायमीटर, रिंग का डायमीटर होता है। और ये रिंग जो है वो सॉलिड स्टील की ये बनी होती है, जिसमें क्या है 12 लूप्स बने होते हैं, ठीक है, रिंग के नीचे यहाँ पर 12 लूप्स बने रहते हैं, जिसमें क्या है नेट फंसा रहता है 12 जगह से। उसके बाद देखिए जो बैकबोर्ड है इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर तक इसकी मोटाई होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए इस इमेज में इसके अंदर बैकबोर्ड के अंदर भी एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर रेक्टेंगल सा बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी जो लेंथ विड्थ कितनी होती है, ये होता है 1.9 बाय 1.4 फीट का, यानी इसकी जो लेंथ है 1.9 फीट और इसकी जो विड्थ होती है वो होती है 1.4 फीट। एमएम में देखें तो 590 बाय 450 एमएम का ये होता है ये वाला रेक्टेंगल। फिर उसके बाद देखिए ये यहाँ पर रिंग है, रिंग की ज़मीन से कितनी हाइट होती है, ठीक है, 10 फीट ये रिंग से हाइट इसकी होनी चाहिए, मीटर में देखें तो 3.05 मीटर। उसके बाद देखिए बास्केट नेट के, ये वाली जो बास्केट नेट है इसकी लेंथ कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर या 400 से 450 एमएम के बीच इसकी लेंथ होनी चाहिए। जैसा कि हमने अभी पढ़ा इसमें 12 हुक से लगे रहते हैं, जिस पे क्या है नेट 12 जगह से यहाँ पर अटैच रहता है रिंग के साथ में। फिर उसके बाद रिंग के अंदर एक चीज़ रह गई थी यहाँ की, रिंग की जो मोटाई है कि ये वाली जो मोटाई है वो कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर या 16 से 20 एमएम के बीच ये होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है बास्केट बॉल, इसकी वेट कितना होता है, एवरेज इसका वेट होता है 567 ग्राम से लेकर 650 ग्राम, लेकिन अगर हम डिटेल में इसके देखें
बॉल का जो साइज है वो देखिए कितने आते हैं, 7 है, 6 है, 5 है या लाइट वेट 5 है। जो मेंस कंपटीशन है उसमें देखिए 7 साइज बॉल लगती है, जिसका सरकमफ्रेंसिस कितना होता है, 750 से 770 mm, और जिसका वेट कितना होता है, 580 से 620 ग्राम। और यहाँ देखिए वीमेन के लिए कौन सी लगती है, 6 साइज बॉल, और जिसका सरकमफ्रेंसिस कितनी है, परिधि कितनी होती है, 715 से 730 mm, और इसका वेट कितना है, 510 से 550 ग्राम। ठीक है, जो मिनी बास्केट बॉल है, ठीक है, 5 साइज की, वो देखिए 685 से 700 mm के, और 465 से 495 ग्राम इसका वेट होता है। लाइट वेट जो 5 साइज होती है, ठीक है, मिनी बास्केटबॉल वो होती है, उसकी परिधि कितनी होती है, 685 से 700 mm, और इसका वेट 360 से 390 ग्राम। ठीक है, इस तरह से इसका वेट है, ये फीबा के अकॉर्डिंग है। ठीक है, दूसरी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ डिफरेंस देखा जा सकता है। फिर उसके बाद देखिए जो बॉल का आउटर सरफेस होता है वो लेदर का या आर्टिफिशियल सिंथेटिक लेदर का यहाँ पर होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए जो हवा का दाब है गेंद के अंदर, उसको नापने के लिए फीबा के रूल के अकॉर्डिंग एक विधि बताई गई है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए बॉल को 6 फीट की ऊंचाई से छोड़ा जाता है, फिर देखा जाता है कि अगर बॉल यहाँ पर 49 इंच से लेकर 54 इंच के बीच में अगर ये उछाल खा रही है, तब पर समझ लेना चाहिए कि बॉल जो है वो नियम के ही अकॉर्डिंग है। अब हम आते हैं बास्केटबॉल के रूल्स के ऊपर। ठीक है, रूल में देखिए सबसे पहले इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में, ठीक है, 12 खिलाड़ी होते हैं टोटल, जिसमें 5 खिलाड़ी एक टाइम पर कोर्ट में खेलते हैं एक टीम के अंदर, और 7 इसमें एक्स्ट्रा होते हैं। इनकी जो यूनिफॉर्म है, जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर सेम डोमिनेंट कलर होना चाहिए, और इनकी जो टी शर्ट है ये कैसी है, स्लीवलेस है। अगर इनमें स्लीव्स होंगे भी तो यहाँ पर ये एल्बो से आगे नहीं होने चाहिए, लॉन्ग स्लीव जो टी शर्ट है ये यहाँ पर अलाउड नहीं होती हैं। और यहाँ पर जो भी इनकी टी शर्ट है वो निक्कर के अंदर अच्छे से यहाँ पर टक होनी चाहिए, अंदर ये अच्छे से डाली होनी चाहिए, और ये जो शॉर्ट्स है ये भी हमारे घुटने से नीचे नहीं होने चाहिए। जो सॉक्स है वो भी सेम डोमिनेंट कलर की होनी चाहिए सभी टीम मेंबर की, और सॉक्स जो है वो विजिबल होनी चाहिए। और उसके बाद देखिए जो इनकी जर्सी है, इसके ऊपर जो नंबर लिखे रहते हैं वो 1 से 99 के बीच तक के ये होने चाहिए। ये आप देख सकते हैं इनके शर्ट पे नंबर लिखे हैं, ठीक है, चेस्ट पे भी और पीठ पे भी नंबर लिखे हैं, तो ये नंबरों की संख्या 1 से 99 तक ये होनी चाहिए। ठीक है, और उनके जो पीठ पे नंबर लिखे रहते हैं उनकी जो मोटाई होती है और लंबाई कितनी होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर ये लंबे होने चाहिए और 2 सेंटीमीटर मोटे ये नंबर्स होने चाहिए, और आगे की तरफ पर 10 सेंटीमीटर लंबे और 2 सेंटीमीटर मोटे नंबर लगे होने चाहिए। और गेम की ड्यूरेशन या अवधि कितनी होती है, अब इसकी जो मैच देखिए, एक मैच होता है 40 मिनट का, ठीक है, और ये 40 मिनट हमारे 4 क्वार्टर्स में बंटे रहते हैं जो कि 10-10 मिनट के होंगे। ठीक है, और 2 क्वार्टर्स के बीच में हमारा 2 मिनट का ब्रेक टाइम होता है, और ठीक है, और जो इसका इंटरवल टाइम है, ठीक है, 15 मिनट का इसमें इंटरवल टाइम होता है जब हाफ टाइम होता है। ठीक है, यानी 20 मिनट का जब खेल हो जाता है, आधा खेल जब हो जाता है उसके बाद 15 मिनट का इंटरवल टाइम होता है, और उसके बाद अगर टाई हो जाता है, ठीक है, टाई के बाद 2 मिनट का ब्रेक दिया जाता है और फिर 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर दिया जाता है खेलने के लिए, और अगर मैच फिर भी टाई हो जाता है तो फिर से 2 मिनट के ब्रेक के बाद 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम या ओवर टाइम दिया जाता है, और ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक टाई ब्रेक ना हो जाए। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको मेरी सारी वीडियो की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी इन IDs के द्वारा यहाँ जुड़ सकते हैं। फिर देखिए टाइम आउट, अब टाइम आउट कितने दिए जाते हैं बास्केटबॉल के अंदर, अब देखिए फर्स्ट हाफ के अंदर कितने टाइम आउट होते हैं, 2 टाइम आउट दिए जाते हैं 1-1 मिनट के। उस तरह से ही सेकेंड हाफ के अंदर 3 टाइम आउट दिए जाते हैं 1-1 मिनट के।
उसके बाद देखिए, अगर मैच यहाँ टाई हो जाता है तब 5 मिनट के जो एक्स्ट्रा टाइम होता है उसके अंदर एक टाइम आउट दिया जाता है 1 मिनट का हर एक टीम को। फिर उसके बाद देखिए, ये जो टाइम आउट है ये फ्री थ्रो के दौरान या फिर उसके बाद ये नहीं दिए जाते हैं। और ये टाइम आउट दिए कब जाते हैं? ये दिए जाते हैं जब कोई फॉल होता है या फिर बॉल बाहर चली जाती है, उसके बाद ये टाइम आउट दिए जाते हैं। ठीक है, फिर एक चीज़ यहाँ याद रखना, अगर चौथे क्वार्टर में फोर्थ क्वार्टर के अंदर सिर्फ 2 मिनट का समय बचा हुआ है, ठीक है, या फिर 2 मिनट से कम का टाइम बचा हुआ है, तब यहाँ टाइम आउट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन। बास्केटबॉल के अंदर होता है रोलिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, रोलिंग सब्स्टिट्यूशन यानी कि इसमें कितने भी खिलाड़ी बदले जा सकते हैं और एक खिलाड़ी कई बार यहाँ बदला जा सकता है, और खिलाड़ी को बदलने के लिए यहाँ 20 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। और एक समय में एक से ज़्यादा खिलाड़ी भी यहाँ पर बदले जा सकते हैं, और खिलाड़ी तभी बदले जा सकते हैं जब खेल रुका हुआ होता है। फिर आते हैं उसके बाद जंप बॉल। अब खेल की शुरुआत ही होती है जंप बॉल से, जैसे दूसरे गेम्स में टॉस होता है, ठीक है, लेकिन बास्केटबॉल के अंदर क्या होता है, जंप बॉल। और जो बाकी के क्वार्टर्स होते हैं दूसरा तीसरा और चौथे, उसमें जो मैच होता है उसमें थ्रो इन से मैच शुरू होता है, ठीक है, पहले क्वार्टर में जंप बॉल से शुरू होता है। अब आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि जंप बॉल कैसे होता है। सेंटर सर्कल के अंदर दोनों ही टीम के एक एक खिलाड़ी मौजूद रहते हैं और रेफरी रहता है, ठीक है, और रेफरी बॉल को एक निश्चित हाइट तक उछाल देता है, और दोनों ही खिलाड़ी क्या करते हैं फिर बॉल को अपने पक्ष में पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बॉल का पोजीशन लेने की यहाँ कोशिश करते हैं, ठीक है। इस तरह से किसी एक टीम को यहाँ बॉल का पोजीशन मिल जाता है और गेम शुरू हो जाता है। अब देखिए, सबसे पहले प्लेयर की पोजीशन। नंबर वन पे होता है पॉइंट गार्ड, ठीक है, पॉइंट गार्ड टीम का लीडर होता है एक तरह से, जो टीम को लीड करता है, असिस्ट करता है, और ये टीम का बेस्ट बॉल हैंडलर होता है, पासर होता है, ये टीममेट के लिए या खुद के लिए भी यहाँ पर शॉट क्रिएट करने में एबल होता है। नंबर टू पे होता है हमारा शूटिंग गार्ड। शूटिंग गार्ड एक बेस्ट शूटर होता है टीम का, ठीक है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस से अच्छा शूट करने के लिए जाना जाता है। और नंबर थ्री पे होता है स्मॉल फॉरवर्ड। स्मॉल फॉरवर्ड एक मोस्ट वर्सेटाइल खिलाड़ी होता है सभी 5 खिलाड़ियों में से, ठीक है। देखिए, नंबर फोर पे होता है पावर फॉरवर्ड। जो पावर फॉरवर्ड होता है इसका रोल सेंटर के ही सिमिलर होता है, और ये बास्केट के पास स्कोर करने के लिए जाना जाता है। और नंबर फाइव पे होता है सेंटर। सेंटर भी बास्केट के पास या फिर बेस लाइन के पास खेलता है, ठीक है, ये टॉलेस्ट प्लेयर होता है टीम का। अब यहाँ ये तो पोजिशन हो गए, तो गेम कैसे चलती है। अब यहाँ पर देखिए गेम का जो बेसिक सा क्या कॉन्सेप्ट है कि दोनों ही टीम का ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि उनको दूसरे के बास्केट में बॉल को जाकर डालना होता है, और ऐसा करने के लिए उन्हें बॉल को ड्रिवल करते हुए और पास करते हुए एक दूसरे को जाना होता है, और दूसरी टीम यहाँ डिफेंड करेगी, यहाँ पर बचाव करेगी अपने बास्केट का, उन्हें अपने बास्केट में बॉल को डालने से रोकेंगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्या है, रूल के अंदर रहते हुए खिलाड़ियों को करनी होती है। अगर यहाँ पर कोई भी रूल का वायलेशन होता है, फॉल होता है, तब यहाँ पर फ्री थ्रो या थ्रो इन दिया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम आगे एक एक करके पढ़ते जाएंगे। अब सबसे पहले देखिए स्कोर। अब स्कोर करने के लिए देखिए ओपोनेंट की बास्केट में बॉल को डालना होता है, जिससे यहाँ पर टीम को पॉइंट मिलते हैं। और ये पॉइंट किस तरह से मिलते हैं, 3 पॉइंट लाइन के बाहर से अगर हम बास्केट यहाँ पर करते हैं तब यहाँ पर मिलता है, हमें कितने पॉइंट मिलते हैं, 3 पॉइंट यहाँ पर मिलते हैं। और अगर उसके अंदर से, ये ब्लू वाला जो आपको दिख रहा है ये है 2 पॉइंट फील्ड गोल एरिया, यहाँ से अगर हम बास्केट करते हैं तब यहाँ पर मिलते हैं 2 पॉइंट, और इसके बाद इसके अंदर से अगर हम बास्केट करते हैं तब यहाँ पर मिलते हैं 1 पॉइंट। अब खेल के दौरान अगर देखिए कोई खिलाड़ी बॉल लेकर ड्रिवल करते हुए जा रहा है बास्केट करने के लिए, और तब यहाँ पर ओपोनेंट जो है वो उसके शरीर को छूकर रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, ना ही जबरदस्ती उससे गेंद को छीन सकते हैं, ना ही जानबूझकर कोई फॉल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने पर विपरीत टीम को यहाँ फ्री थ्रो मिलती है। अब उसके बाद देखिए 3 सेकंड रूल। हमने पहले भी पढ़ा था जब हम रिस्ट्रिक्टेड एरिया कर रहे थे,
अब यहाँ देखिए, रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर ओपोनेंट टीम का खिलाड़ी 3 सेकंड से ज़्यादा बॉल को अपने पास नहीं रख सकता। उसके बाद देखिए 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड रूल के अंदर क्या होता है कि जो खिलाड़ी को 5 सेकंड के अंदर फ्री थ्रो या थ्रो इन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है 8 सेकंड रूल। 8 सेकंड रूल क्या होता है कि मान लो जैसे ये कोर्ट है, ये खिलाड़ी का अपना ही कोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर अगर गेंद है खिलाड़ी के अपने ही कोर्ट में, तो इस रूल के अकॉर्डिंग 8 सेकंड के अंदर उन्हें दूसरे के कोर्ट में यहाँ तक बॉल को लेकर जाना ही होगा, ठीक है। फिर है 24 सेकंड रूल। अब यहाँ पर देखिए, जिस भी टीम के पास बॉल का यहाँ नियंत्रण है, उसे 24 सेकंड के अंदर, ठीक है, दूसरे कोर्ट में जाकर बास्केट करने के लिए या फिर अंक लेने के लिए यहाँ प्रयास करना ही होता है। अब मान लो इस वाली टीम के पास है बॉल का नियंत्रण, तो इस वाली टीम को क्या है, 24 सेकंड के अंदर, ठीक है, यहाँ पर बास्केट करने के लिए प्रयास करना ही पड़ता है। जरूरी नहीं कि बॉल बास्केट के अंदर ही जाए, अगर वो रिंग को टच करके भी आती है तब भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए 14 सेकंड रूल। ये 24 सेकंड के अंदर ही देखिए 14 सेकंड का रूल है कि अब ये तो हमने देख लिया कि एक टीम को 24 सेकंड के अंदर यहाँ बास्केट करने का प्रयास करना होता है। अब यहाँ देखिए, अगर गेंद रिंग या बैकबोर्ड से लगकर वापस नीचे आती है, तब यहाँ 14 सेकंड का दोबारा समय मिलता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं 14 सेकंड रूल। फिर नेक्स्ट देखिए थ्रो इन, ठीक है। ये आपको यहाँ दिखाई दे रही है छोटी सी लाइन, ये है थ्रो इन लाइन, ठीक है। थ्रो इन लाइन से ही थ्रो इन लिया जाता है, और थ्रो इन कब दिया जाता है, जब भी कोई फाउल होता है या मैच रुका होता है, तो उसके बाद यहाँ थ्रो इन लिया जाता है, ठीक है। ये सिंपली अंपायर जो है थ्रो इन से पहले बॉल थ्रो इन लेने वाले खिलाड़ी को देता है, ठीक है। और थ्रो इन के दौरान अंपायर थ्रो इन लेने वाले खिलाड़ी से 4 मीटर की दूरी पर रहता है, ठीक है। और जो दूसरे जो ओपोनेंट खिलाड़ी होते हैं, वो भी थ्रो इन लेने वाले खिलाड़ी से कम 1 मीटर की दूरी पर ये रहने चाहिए। और थ्रो इन लेने के लिए यहाँ खिलाड़ी को 5 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। 5 सेकंड में बॉल को रिलीज करना होता है। अब देखिए, हमने ये तो देख लिया कि थ्रो इन कहाँ से लिया जाता है, ठीक है। अब कुछ कंडीशन में थ्रो इन जो है वो सेंटर लाइन की जो एक्सटेंडेड लाइन होती है, ठीक है, यहाँ पर जो 0.15 मीटर की एक्सटेंडेड लाइन है, यहाँ से थ्रो इन लिया जाता है। पहले क्वार्टर को छोड़कर जो दूसरे क्वार्टर होते हैं, अन्य क्वार्टरों के शुरू होने पर थ्रो इन कहाँ से लिया जाता है, इस एक्सटेंडेड साइड लाइन से लिया जाता है। और दूसरा क्या होता है इसमें देखिए, फ्री थ्रो के बाद कोई टेक्निकल फॉल होता है या फिर खिलाड़ी विहीन व्यवहार, अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर होता है, या फिर डिसक्वालीफाइंग फॉल होने के बाद यहाँ से एक्सटेंडेड सेंटर लाइन से थ्रो इन दिया जाता है। फिर देखिए बास्केटबॉल के फॉल। बास्केटबॉल फॉल के अंदर है पहला देखिए व्यक्तिगत फॉल या पर्सनल फॉल, इसको कॉन्टैक्ट फॉल भी कहते हैं। अब पर्सनल फॉल के अंदर देखिए कौन कौन से फॉल आते हैं, इसमें है धक्का देना या फिर अपनी तरफ खींचना या किसी खिलाड़ी के ऊपर चढ़ना, ठीक है, या जबरदस्ती बॉल को छीनना या पकड़ना, ठीक है, खोहनी मारना या चार्ज। अब यहाँ चार्ज देखिए, ये भी एक ऑफेंसिव फॉल होता है, ठीक है। इसमें क्या है, खिलाड़ी जा रहा है, अगर बॉल लेके ड्रिबल करते हुए जा रहा है और वो खिलाड़ी डिफेंडर खिलाड़ी के ऊपर से चला जाता है या उसको धक्का दे देता है, तो यहाँ पर चार्ज है, पर्सनल इलीगल पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है ये भी, ठीक है, ये भी फॉल होता है। फिर उसके बाद देखिए इलीगल स्क्रीनिंग। अब स्क्रीनिंग भी देखिए बास्केटबॉल के अंदर एक एक्शन या फिर एक टेक्निक कहा जा सकता है। अब स्क्रीनिंग के अंदर देखिए क्या है, एक प्लेयर है, ठीक है, वो ड्रिबल करते हुए यहाँ जा रहा है और एक खिलाड़ी जो डिफेंसिव प्लेयर है वो यहाँ पर डिफेंस कर रहा है, ठीक है। उसको अब यहाँ पर जो ड्रिबल कर रहा है उसका ही साथी यहाँ पर एक स्क्रीन प्लेयर के तौर पर खड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो खिलाड़ी यहाँ स्क्रीन कर रहा है, ये मूवमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, अपने हाथ बांध कर यहाँ खड़ा हो जाएगा सिर्फ, तो ठीक है। वही यहाँ पर कहा गया है कि इलीगल स्क्रीनिंग क्या हो गई, कि वो यहाँ पर कंटिन्यूस मूव नहीं कर सकता है अपने पाँव को, ठीक है, जब वो स्क्रीन सेट कर रहा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, जब भी फॉल होते हैं तब यहाँ पेनल्टी दी जाती है, ठीक है। अगर यहाँ देखिए 3 पॉइंट लाइन के बाहर, ठीक है, इस वाली लाइन के बाहर अगर फॉल होता है तब यहाँ पर 3 फ्री थ्रो दिए जाते हैं। 2 पॉइंट फील्ड गोल एरिया के अंदर अगर फॉल होता है तब 2 फ्री थ्रो दिए जाते हैं, ठीक है।
और उसके अंदर एक फ्री थ्रो। और अगर खिलाड़ी यहाँ पर बास्केट करने में सक्सेस हो जाता है और फॉल भी हो जाता है तब एक फ्री थ्रो दिया जाता है और उसका वो पॉइंट भी काउंट होता है। और ये फ्री थ्रो दिए जाते हैं कि जब खिलाड़ी एक्ट ऑफ शूटिंग की पोजीशन में हो, यानी कि अगर वो शूट कर रहा हो ठीक है उस टाइम पे फॉल होता है तब यहाँ फ्री थ्रो दिए जाते हैं, अदरवाइज यहाँ पर ओपोनेंट को बॉल दी जाती है, थ्रो इन दिया जाता है ठीक है। उसके बाद देखिए टेक्निकल फॉल। टेक्निकल फॉल को हम नॉन कॉन्टैक्ट फॉल भी कहते हैं। इसके अंदर देखिए गाली देना, वल्गर लैंग्वेज यूज करना या कोई मिसबिहेव करना या फिर ओपोनेंट की आंखों के आगे हाथ लहराना या फिर कोहनियों को अपनी एल्बो को ज़्यादा एक्सेसिव वे में स्विंग करना ताकि दूसरे ओपोनेंट प्लेयर को खेलने में परेशानी हो रही हो ठीक है, और रिंग पर लटकना या फिर ऑफिशियल का अनादर करना ठीक है, डिसरिस्पेक्ट करना ऑफिशियल की या ऑफिशियल से कोई भी गलत तरीके से बात करना, ये भी क्या है टेक्निकल फॉल के अंदर आता है। इसमें क्या है एक फ्री थ्रो दिया जाएगा। उसके बाद देखिए खिलाड़ी विहीन व्यवहार या फिर अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर, इसको भी क्या कहा जाता है कॉन्टैक्ट विद बॉल फॉल। यहाँ पर बिल्कुल अगर कोई रूल का पालन करने की किसी का कोई इरादा नहीं है या अननेसेसरी फिजिकल कॉन्टैक्ट कर रहा है या जानबूझकर किसी को बॉल डालने से रोक रहा है ठीक है, वो सारे क्या अनस्पोर्ट्समैनशिप लाइक बिहेवियर है, इंटेंशनली किए जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए डिसक्वालीफाइंग फाउल। डिसक्वालीफाइंग फाउल भी क्या होते हैं फ्लैग्रेंट अनस्पोर्ट्समैन लाइक एक्शन होते हैं ठीक है। फ्लैग्रेंट यानी कि बिल्कुल एग्रेसिव या बहुत ही खराब शर्मनाक यहाँ पर कोई व्यवहार कर रहा है ठीक है, तब उसको सीधे डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है ठीक है। और ये जो डिसक्वालीफाइंग फाउल है वो प्लेयर को भी दिया जा सकता है, सब्स्टिट्यूट हो या हेड कोच हो असिस्टेंट कोच हो ठीक है, या एक्सक्लूडेड प्लेयर होते हैं या कोई भी मेंबर्स होते हैं उनको ये डिसक्वालीफाइंग फाउल दिया जा सकता है। और अगर ये हेड कोचेस को दिया जाता है तो उसको रिप्लेस किया जाता है असिस्टेंट कोचेस के साथ और प्लेयर्स को तो सीधे डिसक्वालीफाई किया कर दिया जाता है ठीक है। और उसके बाद देखिए डबल फॉल। डबल फॉल में देखिए क्या होता है, ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि दो ओपोनेंट क्या है अगर दो फॉल साथ में कर लेते हैं, चाहे वो पर्सनल हो अनस्पोर्ट्समैन लाइक हो या डिसक्वालीफाइंग फॉल होते हैं, अगर वो अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम पर किए जाएं तब उसे डबल फॉल कहा जाता है ठीक है। अभी 2020 के अंदर इस चीज़ को काफ़ी क्लियर किया गया है फीवा के द्वारा कि ये कंसिडर किया गया है कि भाई किन फॉल्स को यहाँ पर किन दो फॉल को यहाँ डबल फॉल कहा जा सकता है, ये कंडीशन अगर होती है तब यहाँ पर डबल फॉल कहा जाता है कि दोनों ही फॉल्स क्या है प्लेयर फॉल हों या दोनों फॉल में फिजिकल कॉन्टैक्ट यहाँ पर इन्वॉल्व होता है तब यहाँ डबल फॉल हो सकता है, या फिर क्या है दोनों ही फॉल क्या है दो सेम ओपोनेंट के बीच में अगर होते हैं ठीक है, या फिर दोनों ही फॉल क्या होते हैं या तो फिर दो पर्सनल फॉल होते हैं या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ठीक है, या फिर अनस्पोर्ट्समैनशिप लाइक या फिर डिसक्वालीफाइंग फॉल यहाँ हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं फॉल्स और वायलेशन के ऊपर मैं और डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए एक टीम अगर एक क्वार्टर के अंदर चार फॉल कर लेती है ठीक है, चाहे वो पर्सनल फॉल हो या टेक्निकल या अनस्पोर्ट्समैन लाइक हो या डिसक्वालीफाइंग फॉल हो, अगर चार फॉल हो जाते हैं क्वार्टर के अंदर उसके बाद क्या पेनल्टी मिलना शुरू हो जाती है ठीक है, फ्री थ्रो मिलना यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए एक मैच में अगर एक प्लेयर पांच फॉल कर लेता है तब उसको यहाँ पर मैदान छोड़कर जाना पड़ता है ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर पांच फॉल होने पर उसे मैदान छोड़कर जाना पड़ता है और वो 30 सेकंड के अंदर जो एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं उसको अंदर आना पड़ता है ठीक है। और इन पांच फॉल जो होते हैं वो इस तरह से भी हो सकते हैं कि इसमें तीन पर्सनल फॉल हो गए, एक टेक्निकल और एक अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर हो गया ठीक है, या फिर इसमें चार पर्सनल फॉल या एक टेक्निकल फॉल हो गया, ये कॉम्बिनेशन कैसे भी हो सकता है ठीक है, अगर पाँच फॉल हो जाते हैं तब उसको मैदान छोड़कर जाना पड़ता है। फिर उसके बाद देखिए फ्री थ्रो। हम फ्री थ्रो की बात कर रहे हैं कब से, ये कब दिया जाता है जब कोई भी फॉल होते हैं ठीक है, या वो पर्सनल हो डिसक्वालीफाइंग फॉल हो या फिर अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर हो या टेक्निकल फॉल हो, तब यहाँ फ्री थ्रो मिलता है। और ठीक है अगर फ्री थ्रो सक्सेस हो जाता है बॉल बास्केट में अंदर चली जाती है तब एक फ्री थ्रो के एक पॉइंट मिलता है ठीक है, ये है फ्री थ्रो एरिया ठीक है, यहाँ से फ्री थ्रो दिया जाता है इस वाले सेमी सर्कल के अंदर से।
और फ्री थ्रो भी अंपायर की सीटी बजने के 5 सेकंड के अंदर लेना होता है। अब यहाँ देखिए, फ्री थ्रो वही खिलाड़ी लेता है जिस पर फॉल मिला हो, ठीक है, और अगर उस खिलाड़ी को बदला जा रहा हो तब भी वही खिलाड़ी यहाँ पर फ्री थ्रो लेगा। और अगर उस खिलाड़ी को चोट लग जाती है या फिर उसके 5 फॉल हो गए हो या उसे डिसक्वालीफाई कर लिया गया हो तो उसकी जगह जो खिलाड़ी अंदर आता है वो फ्री थ्रो लेगा। अब देखिए वायलेशन, नियमों का उल्लंघन करना वायलेशन, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसके अंदर आता है, सबसे पहले देखिए ट्रैवलिंग, खिलाड़ी जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता बॉल को लेकर, ठीक है, उसको ड्रिवल करते हुए जाना होता है, ठीक है। फिर देखिए डबल ड्रिवल, अब देखिए डबल ड्रिवल क्या होता है, अब कोई एक खिलाड़ी है, ठीक है, वो ड्रिवल करते हुए जा रहा है और फिर वो क्या करता है, बॉल को होल्ड कर लेता है, ठीक है, बॉल को दोनों हाथ से वो होल्ड कर लेता है या तो शूट करने के लिए या पास करने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है और फिर से यहाँ पर ड्रिवल करने लग जाता है, तब यहाँ पर उसे डबल ड्रिवल कहते हैं, जो कि एक वायलेशन होता है। अब खिलाड़ी बॉल को तभी होल्ड कर सकता है जब या तो उसे पास करना होता है या तो उसे शूट करना होता है। फिर देखिए 3 सेकंड रूल की वायलेशन क्या होती है, ठीक है, जितनी भी हमने टाइमिंग पढ़ी थी वो सारी वायलेशन हमने कर ली थी। अब यहाँ देखिए एक टर्म आपको दिख रही होगी, गोल टेंडिंग एंड इंटरफेरेंस, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई खिलाड़ी बॉल को बास्केट करने के लिए उछाल देता है, तब यहाँ पर देखिए ओपोनेंट खिलाड़ी क्या है, यहाँ पर तो ब्लॉक कर सकते हैं जिस समय पर इसकी पोजीशन अपवर्ड है, यहाँ पर इसे ब्लॉक कर सकते हैं, बॉल को रोक सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जब बॉल डाउनवर्ड होती है, यहाँ पर बास्केट में जाने वाली होती है, तब यहाँ पर आकर अगर कोई खिलाड़ी इसको रोक देता है बास्केट में जाने से, तब उसको गोल टेंडिंग या इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। और वायलेशन होने पर क्या है, थ्रो इन दिया जाता है नियरेस्ट जो इंटरेक्शन प्लेस होता है वहां से ओपोनेंट की टीम को पेनल्टी के तौर पर। फिर उसके बाद देखिए ऑफिशियल, ऑफिशियल कितने होते हैं इसमें, एक रेफरी होता है, 2 अंपायर होते हैं, एक स्कोरर होता है, एक टाइम कीपर होता है, एक 1 to 20 सेकंड ऑपरेटर होता है, ठीक है, एक स्कोरर असिस्टेंट होता है। तो ठीक है, ये हमने कुछ बेसिक रूल्स हमने कर लिए बास्केटबॉल के। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो, अगर वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, मेरे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए।